बॉलीवुड के 80 और 90 के दशक में इतनी सारी अभिनेत्रियों ने कदम रखा, पर उनमें से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रहीं जिन्होंने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन के जरिए लोगों का खूब दिल जीता और अपने अभिनय के जरिए खूब मशहूर हुई, जिसके चलते आप उन एक्ट्रेस के बारे में तो सब अच्छे से जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं उन अभिनेत्रियों के रियल लाइफ बेटा और बहू के बारे में जो उनकी खूब सेवा करते हैं और उनका आदर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 80 और 90 के दशक पर राज करने वाली एक्ट्रेस के बेटा और बहू से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, पद्मिनी कोल्हापुरी। बॉलीवुड की अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी का सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है प्रियांश शर्मा, जो कि एक एक्टर है और उन्होंने सब कुशल मंगल है फिल्म के साथ अपना डेब्यू भी कर लिया है और इन दोनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शाजम उरानी के साथ 2021 में शादी रचा ली और उनके साथ आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बता दें कि पद्मिनी की बहू खुद की अपनी एक कंपनी चलाती है और काफी सफल भी है। नंबर 2, वहीदा रहमान। एक्सप्रेशन क्वीन वहीदा रहमान के बेटे की अगर बात करें तो इनके बेटे का नाम सुनील रेखी है, जो कि आज 50 साल के हो चुके हैं और एक राइटर है, और उसके साथ साथ इनके बेटे सदाया गिल्ट नाम की फर्नीचर कंपनी के मालिक हैं। और बात करें इनकी बहू की तो इनके बेटे ने भूटान के रहने वाली डेचना पेल्डन से शादी की है 2016 में, और वो भी एक एंटरप्रेन्योर है जो काम के साथ साथ घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी सास को बहुत खुश रखती है। नंबर 3, नीतू कपूर। नीतू कपूर ने भी एक बेटे रणबीर कपूर का सौभाग्य पाया है, जो कि आज बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता बन चुके हैं जिन्होंने हाल ही में ब्रह्मास्त्र जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, और उन्होंने ऐसी हिट फिल्म देने वाली बहू दी है आलिया भट्ट के रूप में इन्हें, जिनसे उन्होंने साल 2022 के अप्रैल में शादी की थी और सितंबर के महीने में बच्चे की गुड न्यूज दे रही थी, जिसके चलते आज वो दादी भी बन चुकी है और अपने बेटा बहू और पोती से बहुत प्यार करती है। नंबर 4, पूनम ढिल्लो। 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के बेटे का नाम अनमोल ठकेरिया है और उन्होंने भी अपनी मम्मी की तरह एक एक्टर बनने की राह पर चलकर ट्यूजडे एंड फ्राइडेज मूवीज के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया और इन दिनों अपने एक्टिंग के अगले प्रोजेक्ट में बिजी हैं। साथ ही अनमैरिड है और इनकी कोई जीएफ भी नहीं है, तो इनकी कोई बहू भी नहीं है। नंबर 5, जया प्रदा। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा की अपनी कोई औलाद नहीं, पर इन्होंने अपने बहन के बेटे सिद्धू को गोद लिया है, जिसे ये अपने बेटे की तरह पाल रही है, जिनका इन्होंने उयरे उयरे फिल्म के साथ डेब्यू भी करवा दिया है, और अब तो इन्होंने उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी भी करवा दी और बहू ले आई हैं, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर ये अच्छी जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, आपको किसका बेटा और बहू से मिलकर सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।